कंक्रीट मिक्सर धोबी वाला। सदाशिवपेट नाम के गांव में प्रभाकर नाम का व्यक्ति कंक्रीट मिक्सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए किराए पर देता था। प्रभाकर ने बहुत मेहनत करके वो कंक्रीट मिक्सर खरीदा था, क्योंकि उस गांव में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। प्रभाकर का परिवार बहुत सुख चैन से जिंदगी गुजार रहा था। प्रभाकर के घर के पास ही ईश्वर और चारुलता नाम के एक धोबी परिवार रहता था। वो बेचारे दोनों सवेरे सवेरे तालाब के पास जाकर कपड़े धोते थे। वो उन कपड़ों को वहीं पर सुखाते थे। कपड़ों के सूखने के बाद उन्हें जिनके कपड़े थे उन्हें दे देते थे। एक दिन प्रभाकर ईश्वर से, अरे चाचा, आप इतने मेहनत करते हो इस उम्र में, ये मुझसे देखा नहीं जाता, पर आपके बच्चे कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? मैंने कभी भी आपके बच्चों को आपके पास आते हुए नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं, कम से कम आप तो जाकर अपने बच्चों के पास रह सकते हैं। क्या बताऊं बेटा, मेरे दोनों लड़के बड़े घर की बेटियों से प्यार करके उनसे शादी कर ली और शहर में जाकर रह रहे हैं। उन दोनों को शर्म आती है ये बताते हुए कि उनके माँ बाप एक गरीब धोबी हैं। इसीलिए जब से शादी हुई है उन्होंने हमें छोड़ दिया। बेटे, हमने भी फैसला कर लिया कि हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे, इसीलिए हमसे जितना बन पड़ता है काम करते हैं और उसी में गुजारा कर लेते हैं। बेटा, देखते हैं, जब तक भगवान शक्ति देता है हम काम करेंगे, आगे भगवान की मर्जी। मुझे इस बात की खुशी है बेटा कि तुमने हमारे बारे में सोचा। ये सुनकर प्रभाकर बहुत उदास हुआ। कुछ दिनों बाद उस गांव में रियल एस्टेट का बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ गया। सारा कंस्ट्रक्शन का काम एकदम रुक गया। नतीजा ये हुआ कि प्रभाकर का कंक्रीट मिक्सर घर के बाहर खाली पड़ा था। कुछ दिनों बाद प्रभाकर की पत्नी जानू, अब हम क्या करेंगे, आसपास के इलाकों में कोई कंस्ट्रक्शन का काम ही नहीं हो रहा है और हमारे पास जो पैसे बचे थे सब खर्च हो गए। राशन शॉप वाले ने कहा है कि और एक महीने के लिए वो उधार देगा, बेटे का स्कूल फीस भरना बाकी है। अब इस कंक्रीट मिक्सर को आप किसी को बेच दो, जो पैसे मिलेंगे उसे छोटे मोटे कर्ज चुका देंगे, हम दोनों को एक काम कर लेते हैं। भाई, तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, अब हमारा जो हाल है उसमें ऐसा करना ही ठीक रहेगा। मैं कल ही कंक्रीट मिक्सर को बेचने की बात करता हूँ। ये सब सुनकर उनका बेटा चिंटू, ये सब तो ठीक है पिताजी, आप लोग जवान हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन पड़ोसी दादा दादी का क्या होगा? आजकल सबके घरों में वॉशिंग मशीन आने के कारण लोगों ने उन्हें कपड़े देना कम कर दिया, इसीलिए उन्होंने फैसला कर लिया कि वो वृद्धाश्रम में जाकर रहेंगे। क्या हमारे रहते हुए वे वृद्धाश्रम जाएंगे? ये कैसे हो सकता है, मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। अजी सुनो, आप ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढो। तब प्रभाकर सोच में पड़ गया। प्रभाकर रात भर सोचता रहा। अगले दिन सवेरे प्रभाकर उस गांव के बड़े बड़े होटलों के पास गया। उसने उन होटल के मालिकों से कुछ बात की। बाद में वो ईश्वर के पास आया। चाचा, अब आपको कोई परेशानी नहीं है, मैंने इस गांव के बड़े बड़े होटल के मालिकों से बात कर ली है। उन होटलों के बेडशीट्स, पिलो कवर्स, कर्टेंस, गेस्ट के कपड़े सब धोने का कॉन्ट्रैक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पर बेटे, इस उम्र में इतने सारे कपड़े हम धोएंगे कैसे? ये मुमकिन नहीं है बेटा। क्यों नहीं होगा चाचा जी, हमारे पास इतना बड़ा वॉशिंग मशीन जो है। कहकर अपने कंक्रीट मिक्सर को दिखाया। ये देखकर ईश्वर और चारुलता हैरान हो गए। आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है चाचा, मैं और मेरी पत्नी मिलकर इस कंक्रीट मिक्सर में कपड़े धोएंगे। आप हमें सिर्फ इतना बताओ कि कितने कपड़ों के लिए कितना साबुन लगेगा और कितने देर बाद उसे बाहर निकालना होगा, क्योंकि आप उसमें माहिर हैं। जो पैसे मिलेंगे उसमें हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे, तब हमारे दोनों परिवार सुखी रहेंगे। आपको मंजूर है ना? ईश्वर और चारुलता की आंखों में आंसू भर आए। उन दोनों ने इन्हें प्रणाम किया। इस तरह प्रभाकर और जानू उस कंक्रीट मिक्सर में होटल के कपड़े डालने लगे, फिर ईश्वर और चारुलता के कहे अनुसार उसमें साबुन डालने लगे। चिंटू उस मिक्सर में पाइप से पानी भरने लगा।
उन धोकर लाए हुए कपड़ों को देखकर होटल के मालिक बहुत खुश हुए। इस तरह वे खूब पैसे कमाने लगे। कुछ दिनों बाद उस गांव में कंस्ट्रक्शन का काम फिर से शुरू हो गया। प्रभाकर ने एक और कंक्रीट मिक्सर खरीदा और ईश्वर और चारुलता को दिया। वे तालाब के पास उस कंक्रीट मिक्सर को ले जाते, वहीं कपड़े धोकर वहां सुखाकर ले आते। यूं कमाया सारा पैसा प्रभाकर उन्हें देने लगा। यूं दोनों परिवार खुशी खुशी रहने लगे। जेल एस्केप। एक बड़े से जेल में मुन्ना नाम का कैदी सजा काट रहा था। एक दिन वो पत्थर तोड़ रहा था कि लड्डू नाम का कैदी वहां आया। लड्डू मुन्ना से, दादा मेरा नाम लड्डू है, मैं एक चिंदी चोर हूँ। मैं आपका बड़ा फैन हूँ दादा, बचपन से ही आपके बारे में सुनता आया हूँ दादा, और मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं आप जैसा एक बड़ा चोर बन के दिखाऊँ। दादा आप तो चोरों के मेगा स्टार हैं, चोरी में तो आप सुपर स्टार हैं। दादा एक ऑटोग्राफ देना प्लीज, मैं जिंदगी भर अपने सीने से लगा के रखूंगा दादा उसे। मुन्ना ने उसे ऑटोग्राफ दिया। दादा आपके फैन होने के नाते मैं आपकी एक मदद करना चाहता हूँ। इस जेल से भागने का मैंने एक स्केच बनाया है दादा। उस प्लान के मुताबिक एक जगह हमें तैरना होगा। मुझे तैरना आता नहीं है, इसीलिए मैं कुछ किए बगैर बैठा हूँ। कम से कम आप उस प्लान के मुताबिक यहाँ से भाग जाओ दादा। अरे तुम्हारा प्यार देख के मेरा दिल भर गया। वैसे भी अगले महीने मैं जेल से रिहा हो रहा हूँ, इसलिए मुझे जेल से भागने की क्या जरूरत है। दादा ये आपने क्या कह दिया दादा। अरे आप कौन हो, आपकी औकात क्या है? आप कहते हो कि आप एक मामूली कैदी की तरह छूटकर जेल से जाओगे ना दादा। आप जैसे चोर को जेल से भाग जाना ही शोभा देता है दादा। ये देखकर मेरे जैसे चिंदी चोर इंस्पायर होंगे दादा। अरे ये बात नहीं है भैया, अब तुम मुझे तंग ना करो। मुझे बाहर कोई जरूरी काम भी नहीं है अभी, तुम मुझे छोड़ दो। क्या कह रहे हो दादा, बाहर कोई काम नहीं है आपके लिए? आप यदि बाहर रहे तो एक महीने में कितने सारे चोरियां कर लेंगे, कितने सारे पैसे बनाएंगे दादा, जरा सोचिए। बाहर आपकी राह देख रहे हैं आपके सारे चेले, जरा सोच समझ कर फैसला कीजिए दादा। ये लीजिए प्लान, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कल आप मुझे यहाँ ना दिखाई दें। कहकर मुन्ना के पैर छूकर वहां से चला गया। ये क्या, ये इतना नाटक क्यों कर रहा है? क्या मैं वाकई इतना मशहूर हूँ? क्या पता, 30 साल का सर्विस है तो कहीं ना कहीं तो मेरे भी फैंस होंगे ही ना। वैसे देखते हैं कि इसके प्लान में क्या है। कहकर उसका प्लान देखने लगा। उसे देखकर, अरे वाह ये प्लान तो बड़ा आसान है। पहले मुझे अपने सेल के नीचे खुदाई करनी होगी, के बाद एक पाइप के अंदर से जाना होगा, उसके बाद पानी में तैरते हुए गया तो वहाँ पहुँचूंगा जहाँ से मैं फरार हो सकता हूँ। वेरी गुड, वो सच कहता है, अगर मैं जेल से फरार हो गया तो मेरा केस सनसनीखेज हो जाएगा, तब मेरे फैंस बढ़ जाएंगे, मैं बहुत मशहूर हो जाऊंगा, तब अपना नाम कहकर लोगों को डरा धमका कर पैसे कमा सकते हैं। ये आइडिया तो बढ़िया है। इस तरह उसने किसी तरह एक लोहे का सरिया जुटाया और अपने सेल के नीचे खुदाई करने लगा। वो एक बहुत बड़े गड्ढे में बदल गया। वो उसमें उतर कर अंदर गया। अंदर पाइप के अंदर रेंगता हुआ, लगता है वो बेचारा बहुत होशियार है पर उसे तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो रह गया। उसके बाहर आते ही मैं उसे अपने गैंग में शामिल कर लूंगा, उसकी खूब मदद करनी होगी, ऐसा इसने सोचा। उसके बाद पानी में तैरने लगा, तैरते तैरते आगे बढ़ने लगा। यूं तैरते हुए, अरे ये क्या ना बदबू मार रहा है, बैठ बैठ कोई गंदा पानी है, इस पानी में ज्यादा देर रहा तो सांस नहीं बदबू से ही मर जाऊंगा, बैठ गंदा है गंदा, कहकर तैरने लगा। बाद में पानी से ऊपर उठा तो उसने देखा कि उसके ऊपर एक कमोड़ है, वो कमोड़ से बाहर निकला। वहाँ पर पुलिस और जेलर सब खड़े थे, उन्हें देखकर वो परेशान हो गया। उनके साथ साथ लड्डू भी वहाँ खड़ा था। क्यों रे कमीने, बचकर भागना चाहता था हैं? अरे इतनी भी क्या जल्दी थी, वैसे भी अगले महीने तुम छूटने ही वाले थे ना बेवकूफ कमीने।
अरे कमीने लड्डू, तुमने ये क्या प्लान बना कर दिया था? अरे कमीने, इतने गंदे पानी में तैरते हुए आया तो आकर देखा ये शौचालय है, हैं? नीच कमीने। ए मुन्ना, वो मेरा बेटा है, वो थोड़ा पागल है। उसकी इच्छा है कि वो चोर बने। उसकी इच्छा ये भी है कि वो चोरी करे, पकड़े जाए और उसे जेल में बैठा दें। इसीलिए हमेशा कैदियों के कपड़े पहन के घूमता रहता है और हर एक कैदी को वो प्लान देता रहता है और वे सब आकर यूं पकड़े जाते हैं। उसने कल ही मुझे बताया था कि उसने तुम्हें ये प्लान दिया है, इसीलिए हम सब तुम्हारे स्वागत के लिए यहाँ तैयार खड़े थे। अरे मुन्ना, अब इस हरकत से तुम्हारी सजा 2 साल और बढ़ा दी गई है। All the best। बस ये सुनकर मुन्ना गश खाकर गिर गया।